हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस किंजल पंचाल, आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड, लिसन केयरफुली। हावर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी फाइन एट योर होम। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 14, वर्ब्स द सिंपल फ्यूचर टेंस। वर्ब्स द सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके। आपको वर्ब्स यूज करना है सिंपल फ्यूचर टेंस। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो, ओके। So now I'm going to start. Turn your page first from D, okay? A, B और C जो है वो पहले वाले वीडियो में हो चुका है, और इसकी जो डेफिनेशन वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दे दिया है, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डी। डी फ्यूचर टेंस, ओके। हम लोग, यू आर इन थर्ड स्टैंडर्ड, सो यू नो वेरी वेल कि आपका जो भी आएगा वो थोड़ा सा ईजी आएगा, ओके। आपको एक ही टेंस पढ़ना है, सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके। चलो नाउ, अब कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वांट प्लस वर्ब। वांट मतलब विल, नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वांट, ओके। अंडरस्टूड? वांट यानी विल नॉट को आपको शॉर्ट में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? डब्ल्यू एंड कॉमा टी, ओके। आपको इस तरीके से लिखना है, तो आपको ये पता चल गया कि नेगेटिव सेंटेंस है। कौन से सेंस है? नेगेटिव, ओके, नेगेटिव। चलो, फर्स्ट इज ऑलरेडी डन। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग वेल, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग वेल, दे वॉन्ट विन द गेम। बच्चे अच्छा नहीं खेल रहे, वो लोग गेम नहीं जीतेंगे। टू, सुजीत इज नॉट वेल, सुजीत इज नॉट वेल, सुजीत ठीक नहीं है। ही वॉन्ट गो टू स्कूल, ही वॉन्ट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा। ही वॉन्ट गो टू स्कूल, ओके, वो स्कूल नहीं जाएगा। थ्री, टुमोरो इज संडे, टुमोरो इज संडे, अनूप वॉन्ट वॉक अप अर्ली। कल संडे है, अनूप जो है वो जल्दी नहीं उठेगा। अनूप वॉन्ट वॉक अप अर्ली, ओके, अनूप जल्दी नहीं उठेगा। थ्री, फोर, सॉरी, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, ओके, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, हम लोग बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। मदर वॉन्ट कुक फूड, मदर वॉन्ट कुक फूड, मम्मी खाना नहीं बनाएगी। फाइव, ही हैज़ अ बैड कोल्ड, ही वॉन्ट ईट आइसक्रीम्स, उसको बहुत ख़राब तरीके से कोल्ड हुई, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, सो वो आइसक्रीम नहीं खाएगा। ही वॉन्ट ईट आइसक्रीम। सिक्स, इट इज़ स्पोर्ट्स डे टुमारो, इट इज़ स्पोर्ट्स डे टुमारो, कल स्पोर्ट्स डे है। द चिल्ड्रन वॉन्ट ब्रिंग देयर बुक्स टू स्कूल, द चिल्ड्रन वॉन्ट ब्रिंग देयर बुक्स टू स्कूल, ओके। जो चिल्ड्रन है, बच्चा, वो उसकी बुक स्कूल में नहीं लाएगा, ओके। बच्चे स्कूल में उनकी बुक्स नहीं लाएंगे, ओके। यानी कल स्पोर्ट्स डे है, तो बुक्स की क्या ज़रूरत है, मतलब सेम। द समर सीजन हैज़ एंडेड, समर सीजन ख़त्म हो गई। यू वी यू वॉन्ट गेट मैंगोज एनी मोर, यू वॉन्ट गेट मैंगोज एनी मोर, अब तुम्हें मैंगो नहीं मिलेगी, मिल सकती है, पर यहाँ विल वॉन्ट है इसलिए हम नहीं मिलेगी। एट, द बस इज़ वेरी स्लो, वी वॉन्ट रीच इन टाइम, वी वॉन्ट रीच इन टाइम, बस बहुत स्लो चल रही है, हम उस टाइम से नहीं पहुँचेंगे। वी वॉन्ट रीच इन टाइम, ओके, वी वॉन्ट रीच इन टाइम, हम टाइम से नहीं पहुँचेंगे। नाइन, डोंट वॉच दिस फिल्म, डोंट वॉच दिस फिल्म, ये फिल्म मत देखो, यू वॉन्ट इन्जॉय इट, तुम्हें कोई मज़ा नहीं आएगी। टेन, नितिन हैज़ नॉट रीड दिस लेसन, नितिन हैज़ नॉट रीड हिज लेसन, नितिन उसका लेसन है वो रीड नहीं करता। ही वॉन्ट पास द एग्ज़ाम, वो पास नहीं, एग्ज़ाम पास नहीं करेगा, ओके। चलो नाउ स्टूडेंट्स, ई रीड द पैसेज बिलो, रीड द पैसेज बिलो, ओके। सो यू हैव टू रीड दिस पैसेज योर सेल्फ, ओके। आई विल एक्सप्लेन ओनली, आंसर द क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट, वॉट वॉज द मिल्क मेड, वॉट वॉज द मिल्क मेड कैरिंग ऑन हर हैंड,
मिल्क मेड है वो अपने हेड पर ना सिर पर क्या कैरी करके मतलब उठा के जाता था, अ पॉट ऑफ मिल्क। ओके सेकंड, what did she want to buy with the money। ओके वो उसकी क्या इच्छा थी, क्या खरीदना चाहती थी पैसे से, सो काउस, क्या खरीदना चाहती थी, काउस। ओके थर्ड नंबर का, वो डिड सी थिंक विल मैरी हर। किससे साथ वो मैरिज करना चाहती थी, और रिच मैन। ओके चलो फोर्थ नंबर का, What did she think they will have? मतलब क्या सोचती थी कि उनके पास क्या होगा, तो बिग हाउस विथ अ ब्यूटीफुल गार्डन, यानी एक बड़ा सा गार्डन, साथ में एक बड़ा सा सुंदर सा गार्डन, एंड टू लवली चिल्ड्रन, और दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। ओके उसकी विश थी मतलब कि। ओके फाइव नंबर का, What happened to the pot of milk? मतलब मिल्क का जो घड़ा था उसको उस क्या हुआ उसे फेल डाउन गिर गया उसे क्या हुआ गिर गया नाउ टर्न योर पेज स्वंस द मेहरा फैमिली इज प्लानिंग अ हॉलीडे इन दिल्ली द मेहरा फैमिली इज प्लानिंग अ हॉलीडे इन दिल्ली देयर प्लान इज गिवन बिलो अब उन मेहरा फैमिली है हॉलीडे में दिल्ली में प्लान कर रही है कि दिल्ली जाए ऐसा तो उनका प्लान कैसा था दिल्ली में ओके हॉलीडे का 2 जुलाई को वो क्या लीव फॉर दिल्ली यानी लीव फॉर दिल्ली मतलब दिल्ली के लिए यहाँ से निकलेंगे 2 जुलाई को 3 जुलाई में रीच दिल्ली पहुँचेंगे 3 जुलाई चेक इन टू अ होटल यानी 3 जुलाई को तो पहुँचेंगे और उसी दिन चेकआउट करेंगे चेक इन टू अ होटल ओके फिर 3rd और 4th जुलाई को दो दिन 3rd 4th जुलाई को क्या करें विजिट रेड फोर्ट कुतुब मीनार अप्पू घर इंडिया गेट म्यूजियम ये सब 3rd और 4th को कुछ देखेंगे 5 डेट को क्या करें गो टू आगरा टू सी द ताजमहल ओके ताजमहल देखने के लिए आगरा जाएंगे 6th जुलाई बोर्ड द ट्रेन में बैठेंगे ओके और 7th को बैक टू हैदराबाद वापस आएंगे यानी 2nd को निकलेंगे दिल्ली के लिए और फिर 7th को वापस हैदराबाद आ जाएंगे ओके इस तरीके से हमें ये फिल करना है चलो मैंने यहाँ फिल किया है ओके द मेहरा फैमिली विल लीव फॉर दिल्ली क्योंकि हमें विल और प्लस वर्ब का यूज़ करना है ओके विल प्लस वर्ब विल लीव फॉर दिल्ली ऑन 2nd जुलाई ऊपर देखना ये वाला ओके दे विल रीच दिल्ली ऑन 3rd जुलाई 3rd जुलाई को वो दिल्ली पहुँच रहे रीच दे विल रीच दिल्ली ऑन 3rd जुलाई They will check into a hotel. Then they will visit places like the Red Fort, Kutub Minar, Appu Ghar, ये India Gate Museum जितना हो सके उतना आपको यहाँ मेरे यहाँ 3 ही नाम लिखे क्योंकि आधे नहीं थे that's why okay on the 5th July they will go to Agra on 5th यहाँ dot है okay that's why ऑन द 5th जुलाई कॉमा देखो 5th जुलाई को दे विल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल ऑन 6th जुलाई दे विल बोर्ड द ट्रेन दे विल कम होम विल कम कम बैक टू हैदराबाद ऑन 7th जुलाई ओके इस तरीके से है समझ में आया हमें ये पैराग्राफ जो है ऊपर वाला जो है वहीं से लिखना है ओके कुछ अलग से नहीं सिर्फ आपको विल प्लस आपको जो ये आगे वाले वर्ड्स हैं उससे ही ऐड करना है ओके आगे से आपको विल लगाना है ओके समझ में आ गया एकदम इजी है ना बच्चों हाँ नाउ जी लेट्स टॉक इनवाइटिंग अ फ्रेंड स्टूडेंट्स दिस वन इज वन टाइप ऑफ कन्वर्सेशन सो यू हैव टू डू दिस ओके योर सेल्फ प्लीज़
टेक हेल्प योर फादर मदर वॉट एवर, ओके आपके मम्मी पापा किसी भी हेल्प ले लो, ओके आपको जितना हो सके थर्ड स्टैंडर्ड में हो तो रीडिंग करना स्टार्ट रखो, ओके रीडिंग फास्ट रखो। सो नाउ स्टूडेंट्स आई विल स्टॉप माई वीडियो नाउ, ओके अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ, ओके चलो बाय।